वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन, आज हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू। तो पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत का सीरीज कंप्लीट किया था, अभी हम दिल्ली सल्तनत का जो एमसीक्यू है इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये पार्ट वन है, इसके बाद काफी सारे पार्ट आने वाले हैं। तो अगर आप बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप नीचे लिंक दे दूंगा, उसे आप जा सकते हैं और बंगाली में ये एमसीक्यू देख सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सय्यद डायनेस्टी? ऑप्शन ए दौलत खान लोधी, ऑप्शन बी फिजर फिरोज शाह, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर ऑप्शन डी फिजर खान। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दौलत खान लोधी, ऑप्शन बी फिजर फिरोज शाह, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर ऑप्शन डी फिजर खान। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी फिजर खान। तो फिजर खान के बारे में थोड़ा बता देते हैं, तो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर तो थे और इनका सैयद डायनेस्टी रूल करने से पहले की हिस्ट्री अगर बात की जाए तो सैयद डायनेस्टी से पहले थे आपके तुगलक डायनेस्टी। मैं थोड़ा गेट बढ़ा लेता हूँ, फिर डायनेस्टी से पहले था तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के उस टाइम जो सुल्तान थे वो थे आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद जब सुल्तान थे तब तिमूर ने इंडिया पे अटैक किया था। तिमूर ने इंडिया पे अटैक किया था जब, तब तिमूर ने इंडिया पे अटैक करके दिल्ली को जीत लिया था और दिल्ली पर तीन तीन तक हमला किया था, लोगों को मारा था और लूटपाट किया था। फिर वो अपने कंट्री पे वापस चला गया था। तिमूर वापस आने से पहले खिजर खान को गवर्नर ऑफ मुल्तान बनाया गया था, गवर्नर ऑफ मुल्तान। तो जब ये अटैक किया था तिमूर ने, तब नसीरुद्दीन मोहम्मद आपके दिल्ली से चले गए थे और फिर जब तिमूर चला गया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद फिर से दिल्ली में वापस आ गए और खुद सुल्तान डिक्लेयर कर गया। इससे जितने भी लोग थे बहुत नाखुश थे, नोबल थे और आम लोग भी जितने भी थे वो बहुत नाखुश थे कि कैसे सुल्तान ऐसे कर सकता है कि इंपॉर्टेंट टाइम पे अपने राज्य को छोड़कर चला गया और बाद में फिर से वापस आ गया। नसीरुद्दीन नोबल्स ने किसन खान को इन्वाइट किया कि आप नसीरुद्दीन मोहम्मद को मार दीजिए और खुद रूल कीजिए। तो फिर यहीं से स्टार्ट हुआ किसन खान का सैयद डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट तारिक मुबारक शाही? ऑप्शन ए नीता फैसली, ऑप्शन बी यहा बिन अहमद सहिंदी, ऑप्शन सी हसन निसामी या फिर ऑप्शन डी आमिर खुसरो। निम्नलिखित में से किसने तारीख के मुबारक शाही लिखा था? ऑप्शन ए नीता फैसली, ऑप्शन बी यहा बिन अहमद सहिंदी, ऑप्शन सी हसन निसामी, ऑप्शन डी आमिर खुसरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यहा बिन सर यहा बिन अहमद सहिंदी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? ऑप्शन ए मलिक फिरोज, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन सी ओनली ए या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक फिरोज, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन सी ओनली ए या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था उनका पूरा नाम। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की अगर बात की जाए वो 70 साल की उम्र में सुल्तान बने थे और वो थे सबसे बुजुर्ग सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में अगर सारे सुल्तान देखा जाए उनमें से सबसे बुजुर्ग सुल्तान थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मार दिया था उनके भांजे ने अलाउद्दीन खिलजी और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके बेटी के साथ शादी किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भांजा भी था और उसका दामाद भी था उसने मार दिया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। अमंग द फॉलोइंग खिलजी सुल्तान मेड दो खड़ी एज इज कैपिटल? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी। निम्नलिखित में से किस खिलजी सुल्तान ने पिलखोरी को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी या फिर ऑप्शन डी मुबारक खिलजी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की अगर बात की जाए तो उन्होंने हटाया था आपका सैयद डायनेस्टी को, जिसका मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। मामलुक डायनेस्टी इसको क्वेश्चन में इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये तीनों डायनेस्टी सेम है तो ये नाम आपको दे सकता है या फिर आपको दे सकता है कि दास डायनेस्टी। दास डायनेस्टी भाई सेव डायनेस्टी का हिंदी में दास डायनेस्टी। अगर सेव डायनेस्टी मामू डायनेस्टी इलबरी डायनेस्टी कहा जाता है एक डायनेस्टी से मतलब उनका, और उसको हटाया था आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने स्टार्ट किया था खिलजी डायनेस्टी और समझ सकते हैं कि एक शहंशाह के काफी वफादार रहे होंगे उस कैपिटल में, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं थे अपने पुराने कैपिटल में और उन्होंने कैपिटल चेंज करके ला दिया था किलो खड़ी में। किलो खड़ी भी आपका दिल्ली में है और किलो खड़ी मार्केट में काफी ज्यादा फेमस भी है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपना कैपिटल चेंज किया था किलो खड़ी में। What does the Mamluk signify? Option A, slave born to the free parents. Option B, slavery mode of production. Option C, slave born from slave parents. या फिर option D, all of the above. Mamluk, Mamluk शब्द क्या दर्शाता है? Option A, slave जिसके माता पिता आजाद थे. Option B, slave को ले जाने के लिए एक medium. Option C, slave जिसके माता पिता भी slave थे. और option D, all of the above. ऊपर वाले सारे सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए स्लेव बॉर्न फ्रॉम द फ्री पेरेंट्स। अगर सेंट्रल इंडिया का कल्चर देखा जाए तो सेंट्रल इंडिया में देखेंगे हम लोग स्लेव होते थे उनको दो हिस्से में डिवाइड करते थे। एक होते थे स्लेव जो घर का काम करते थे या फिर बागीचे का काम करते थे, घर में मदद करते थे, और दूसरे होते थे आपके मामलों जो मामलों स्लेव होते थे, इनको लड़ाई के लिए यूज किया जाता था। लड़ाई में राजा को हेल्प करते थे, अपने देश को डिफेंड करते थे, देश के लिए लड़ाई करते थे। तो ये मामलों जो है वो हम लोग देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी जो थे ये लोग सुल्तान भी बनते थे और हम लोग बाद में दिल्ली सल्तनत की बाकी डायनेस्टीज में भी देखेंगे जो मामलों होते थे वो काफी बार आपके आर्मी में जनरल भी होते थे। तो उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया में जो स्लेव होते थे वो दो प्रकार के होते थे, एक होते थे जो नॉर्मल स्लेव और दूसरे होते थे आपके मामलों। Who among the following ruler from the Ilbari dynasty died of injuries while playing chogan, racket with club of polo at Lahore? Option A, Samsuddin Iltutmish, option B, Qutubuddin Aibak, option C, Razia Begum, या फिर option D, Qutubuddin Firoz। लाहौर में चौगन racket with club of polo खेल के समय इलबरी वंश के निम्नलिखित शासक में से कौन घायल हो गए थे? तो इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रज़िया बेगम या फिर ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन फिरोज।
तो इसमें वो लोग खेलते हुए कौन चलते थे, तो आपका सही आंसर होगा टिमोथी नाइबल। चौगल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पोलो लिखा हुआ है, पोलो गेम जो है ये घोड़े पे खेलते थे, ये हॉर्स पोलो टाइप गेम था। ये चौगल खेलते हुए टिमोथी नाइबल चल पाते थे। टिमोथी नाइबल के बारे में अगर बोला जाए तो फिर वो दिल्ली सल्तनत जो था उसके पहले रूलर थे, और जो इनवाइट डायनेस्टी था उसके भी सबसे पहले रूलर थे आपके टिमोथी नाइबल। टिमोथी नाइबल ने स्टार्ट किया था आपका कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कंप्लीट करने से पहले ही वो चल पाते थे ये चौगल खेलते हुए, इसलिए उन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं किया था। बाद में जाकर इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था आपका कुतुब मीनार। यहाँ पर अगर रशिया बेगम की बात की जाए तो फिर वो पहले मुस्लिम रूलर थी, पहले फीमेल मुस्लिम रूलर, क्योंकि वो फीमेल मुस्लिम रूलर थी इसलिए उन्होंने पूरी जिंदगी रेबल सहना पड़ा था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था वहाँ पर कोई भी महिला कोई लड़कों पर रूल करे, इसलिए रशिया सुल्तान को पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ा था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत हो या फिर उमय्यद डायनेस्टी, दाद डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, उसके सबसे पहले जो सुल्तान थे वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में उन्होंने स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करने के बाद वो चौगन खेलते हुए चल बसे थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कंप्लीट किया था बाद में जाके इल्तुतमिश ने। Which of the following literally literary word primarily dealing with Aibar? Option A, Khazien ul Fatu. Option B, Tahir e Hind. Option C, Rasul Masir of Hassan Nizami. या फिर option D, Turkani Chalgani. इसका सही आंसर होगा आपका option C, Rasul Masir of Hassan Nizami. इसका जो स्पेलिंग है आपके एग्जाम में आंसर आ सकता है ताजुल मसीर, ये दोनों सेम चीज है, तो आपका सही आंसर होगा ताजुल मसीर ऑफ हसन निजामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who was the first Muslim to invade India? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी कश्मीर फ्रॉम मोहम्मद, ऑप्शन सी तिमूर लॉन्ग, या फिर ऑप्शन बी मोहम्मद घोड़ी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी कश्मीर फ्रॉम मोहम्मद, ऑप्शन सी तिमूर लॉन्ग, या फिर ऑप्शन बी मोहम्मद घोड़ी। तो आपका सही आंसर ये ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की बात अगर की जाए तो उन्होंने 1712 में अटैक किया था, उन्होंने जीत लिया था आपका सिंध रीजन पर, सिंध रीजन जो अभी आपका पाकिस्तान में है उस रीजन पर अटैक करके उन्होंने जीत लिया था, और वो पहले मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने इंडिया पर कब्जा किया था। सुल्तान इज नोन एज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद ऑफ गजनी। इस सुल्तान को विपरीतों का मिश्रण के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद ऑफ गजनी। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था वाइसेस फूल, या फिर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इंटेलिजेंट फूल, ये दो चीज उनको कहा जाता था, दो हिस्से में देखा जा सकता है, एक तो वाइस है और दूसरे तरीके से उनको कहा जाता था फूल। तो सबसे पहले देखेंगे उनको वाइस क्यों कहा जाता था, जितने भी दिल्ली सल्तनत थे दिल्ली के सुल्तान थे उन सब में सबसे ज्यादा एजुकेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एजुकेशन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, और इसके लिए वो बाकी जितने भी रिलीजन थे उन सबके लिए बहुत ही टॉलरेंट पॉलिसी अपनाते थे, मतलब सभी रिलीजन को वो इक्वली ट्रीट करते थे, इसके लिए उनको कहा जाता था इंटेलिजेंट। देखेंगे उनको फूल क्यों कहा जाता था, अगर फूल की बात की जाए तो उन्हें फूल इसलिए कहा जाता था उनके पॉलिसीज की वजह से, उनके क्या क्या पॉलिसीज थे जिन्होंने लोगों पर उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था। पहला पॉलिसी की अगर बात की जाए तो पहला पॉलिसी था आपका दुआब रीजन जो था वहाँ पर टैक्स इंक्रीज कर दिया था। अब दुआब रीजन कौन सा था, जहाँ पर गंगा और यमुना नदी एक साथ मिलती थी उसके आसपास का जितना एरिया था उसको दुआब रीजन कहा जाता था। क्या समझ सकते हैं कि वो जगह कितना ज्यादा फर्टाइल होता होगा, इसलिए वहाँ पर उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया था। और आप कह सकते हैं कि बंद की वजह से उस टाइम पे वहाँ पर सूखा पड़ गया था, पर जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने टैक्स कम नहीं किया था और बोला था जो टैक्स नहीं दे सकते वो वहाँ से चले जाए, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स को दुआब रीजन छोड़कर चले जाना पड़ा था। दुआब रीजन से जो टैक्स कलेक्शन हुआ था वो काफी ज्यादा कम हो गया था। दूसरा अगर देखा जाए तो वो कैपिटल चेंज किया था उन्होंने, कैपिटल चेंज करके वो ले गए थे दिल्ली से देवगिरी तक, देवगिरी आपके सेंट्रल इंडिया की तरफ है और वहाँ से वो पूरे इंडिया पे रूल करना चाहते थे, और दिल्ली से देवगिरी का टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन काफी अलग है, इसलिए दो साल तक देवगिरी रहने के बाद उन्होंने देवगिरी से कैपिटल चेंज करके फिर से ले आए थे दिल्ली में, और उनके साथ जितने भी लोग गए थे देवगिरी वो वापस आए थे दिल्ली में, और इससे काफी नुकसान हो गया था, मतलब काफी ज्यादा खर्चा हो गया था। तीसरा अगर देखा जाए तो उन्होंने लाया था आपका टोकन करेंसी, अब ये टोकन करेंसी के लिए उन्होंने लाया था कॉपर कॉइंस, और कॉपर कॉइंस लेके कोई अपना गोल्ड या सिल्वर देना नहीं चाहता था, और कॉपर कॉइंस जो बने हुए थे उनको मतलब नकल करना बहुत ही आसान हो गया था, इसलिए मार्केट में आके नकली कॉपर कॉइंस काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और काफी ज्यादा यूज होने लगे थे ये नकली कॉपर कॉइंस, ताकि बंद किया जा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया था जितने भी मार्केट में कॉपर कॉइंस है उनको वापस ले लिया था, और कॉपर कॉइंस के बदले में सोना और चांदी दिया था आम लोगों को, इसके लिए जो शाही खजाना होता है वो काफी कम हो गया था। अगर चौथा इनका गलती देखा जाए तो फिर ये होगा आपका कराची एक्सपेडिशन, कराची एक्सपेडिशन अभी का जो उत्तराखंड का रीजन है, उत्तराखंड चाइना का जो रीजन है वही पहले के दिन में कराची कहा जाता था, तो कराची पे वो अटैक करने गए थे, और अटैक करने के टाइम वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अब वहाँ जो हिमालय माउंटेन्स है उसका एकदम ध्यान नहीं रखा था उन्होंने, इसलिए बहुत सारे आर्मी वहाँ पर मारे गए थे और बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उनको। अगर उनका पांचवा गलती देखा जाए तो फिर है आपका खुरासान एक्सपेडिशन, खुरासान आज के दिन में जो मॉडर्न ईरान है उसको खुरासान बोला जाता है, उस टाइम ईरान के जो सुल्तान थे वो चल बसे थे, तो ईरान में एक बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन हो गया था कि सुल्तान अगला कौन बनेगा, इसके लिए वहां पर झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था, उन्होंने सोचा था कि वो खुरासान पे एक्सपेडिशन करेंगे और खुरासान भी अपने दिल्ली सल्तनत में ऐड करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक साल तक आर्मी बनाए रखा था, उनका सारा खर्चा चला था, पर एक साल के बाद देखा गया था ईरान में कंडीशन सारे इंप्रूव हो गए थे, इसलिए उन्होंने खुरासान के लिए जितनी आर्मी बनाई थी उसके एक साल तक सारे खर्चे करने के बाद उनको छोड़ दिया था, उनको बोला था कि उनके लिए अब कोई और काम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो फूल क्यों कहा जाता था, एक उन्होंने ना समझ के दुआब रीजन में टैक्स इंक्रीज कर दिया था, फिर उन्होंने कैपिटल चेंज किया था, और कैपिटल चेंज करने के बाद फिर से खुद ही देवगिरी से आ गए थे वापस दिल्ली, टोकन करेंसी लाया था उन्होंने, टोकन करेंसी जो लाया था उन्हें इजीली नकल किया जा सकता था, उनके लिए उसे काफी लॉस हुआ था। कराची पे वो एक्सपेडिशन करना चाहते थे, पर एक्सपेडिशन जो वो करना चाहते थे उससे पहले उन्होंने वहाँ का कंडीशन क्लाइमेट फाइनेट पढ़ा नहीं था, इसलिए लॉस हो गया। फिर अगर देखा जाए खुरासान, खुरासान उन्होंने जो आर्मी वेट किया था एक साल तक वो उन्हें भारी पड़ गया था, इन कारणों की वजह से उन्हें कहा जाता था फूल। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज डैश,
ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक बैस था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो आपका सही आंसर होगा आपका गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की अगर बात की जाए तो उसका नाम था मालिक तुगलक। एक सेकंड, मैं एक बार कंफर्म हो लेता हूं। उसका जो असली नाम था वो था आपका गाजी। अगर देखा जाए उसके टाइम पे मुंगोल ने काफी बार इंडिया पे अटैक किया था, तो उसके टाइम पे उसने 29 फाइट किया था मुंगोल के साथ और इंडिया से अटैक रखा था मुंगोल इन्वेशन से, मुंगोल से इंडिया को बचाकर रखा था। 29 अटैक्स किया गया था गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे, उन्होंने बचाया था। और गियासुद्दीन तुगलक का जो रिलेशन था शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ वो काफी ज्यादा टेंशन रहता था। शेख निजामुद्दीन औलिया ये मानते थे कि जितने भी सूफी संत है उनका कोई काम नहीं है सुल्तान के साथ जाके बात करना या सुल्तान से कोई भी रिलेशन रखने का, या फिर जो पोर्ट होते थे शाही पोर्ट वहां पर जाके कोई बात करेगा। इसलिए गियासुद्दीन तुगलक को शेख निजामुद्दीन औलिया से काफी बार मिलना चाहते थे, और शेख निजामुद्दीन औलिया ने कभी बात नहीं किया था आपके गियासुद्दीन तुगलक से। शेख निजामुद्दीन औलिया ने यह तक कह दिया था कि अगर गियासुद्दीन तुगलक एक दरवाजे से अंदर आए तो शेख निजामुद्दीन औलिया दूसरे दरवाजे से बाहर चले जाएंगे। ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही किया, ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। द रियल नेम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक वाज ए ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए गाजी कफूर, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी पुराने तक, ऑप्शन डी सफर खान। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम डैश था। ऑप्शन ए गाजी कफूर, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी पुराने तक, ऑप्शन डी सफर खान। तो इसका सही आंसर तो आप सबको पता है, ये होगा आपका ऑप्शन बी गाजी मलिक। अगर गियासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो गियासुद्दीन तुगलक जो सुल्तान बना था उसने और एक टाइटल अपनाया था जो था आपका गाजी। ये टाइटल उसने अपनाया था आफ्टर बिकमिंग द सुल्तान गाजी उल गाजी। देन वाज द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टेकिंग प्लेस। ऑप्शन ए 1756 AD, ऑप्शन बी 1712 AD, ऑप्शन सी 112 AD, ऑप्शन डी 122 AD। सिंधु की अरब विजय कब हुई थी? ऑप्शन ए 1756 AD, ऑप्शन बी 1712 AD, ऑप्शन सी 1012 AD, ऑप्शन डी 1022 AD। सिंध की अगर बात की जाए यहाँ पर जो सबसे पहले मुस्लिम लीडर ने अटैक किया था वो किया था 1712 AD में, उन्होंने जीत लिया था सिंध रीजन में, और ये किया था आपके मोहम्मद बिन कासिम ने, उन्होंने अटैक किया था और जीत लिया था आपका सिंध रीजन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। समझदार मूर्ख किस तुगलक राजा के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर आप सबको पता होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज के लिए वीडियो यही था, इसके बाद काफी सारे सीरीज है दिल्ली सल्तनत की जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला हो या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कैंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।